पर ये, और अब इसके आगे ये रख देते हैं। अब आएगा मजा जब रात भर दूल्हा दुल्हन सो नहीं पाएंगे। हाँ। चलो लड़कियों, अब दुल्हन को अकेले छोड़ने का वक्त आ गया है। अच्छा अच्छा बहुत हो गया आप, चलिए सब परी को आराम करने दीजिए। चलो। कबीर बस आता ही होगा। परी, ये आपके लिए शादी का तोहफा। हमारी खानदानी ज्वेलरी में से एक है, लीजिए। परी, मुझे लगा था कि गुरु माँ की बात सच होगी, शादी के बाद सारी चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज मंडप में मुझे आप पहले से भी ज्यादा दुखी लग रही थी, खास करके फेरों के वक्त। क्यों? आप बिल्कुल सही कह रही हैं ईजा। दरअसल वो कबीर और मेरे बीच में कुछ टेंशन हो गया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो गुरु माँ ने कहा है वो सच होगा, और इसीलिए जैसे ही पंडित जी ने बोला कि विवाह संपन्न हुआ, तब से पता नहीं कैसे मेरा मन हल्का हो गया। ईजा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही ना? आराम कीजिए आप। करोड़ मैंने तुम्हें तुम्हारे हृदय परिवर्तन के लिए नहीं दिया था, क्या बकवास कर रहे थे अंदर? अदिति नेहा एक ही है, ये था हमारा प्लान। एक करोड़ प्लान? मैं कुछ समझा नहीं। ऋषि, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा? पुलिस को बुलाएगा? बुला, उन्हें मैं बताऊंगा कि किस तरह तूने मुझे 1 करोड़ देकर खरीदना चाहे, और ऊपर से तू ये चाहता है कि मैं इन सब के सामने ये बोलूं कि लड़की अदिति नहीं, नेहा है। एक काम कर, सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि कबीर और बाकी सारे घर वालों को यहां लेकर आ, उन सब के सामने मैं तेरी सच्चाई खोलूंगा। इसलिए अच्छे बच्चे की तरह अंदर जाओ, वो कहना कि पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऋषि ने मुझसे 1 करोड़ निकलवाने के लिए झूठ तो नहीं कहा कि ये अदिति नहीं, नेहा है? और फिर यहां आके मुकर गया क्योंकि वो इस बात को साबित नहीं कर पाया कि ये 1 करोड़ नेहा नहीं, वाकई में अदिति है।
नमस्ते जी, कहाँ हो तुम? कालीगंज। मैं आ रही हूँ। लेकिन कैसे? उन्हें शक नहीं होगा कि तुम कहाँ चली गई? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं बता दूंगी तुम्हें कि कब और कहाँ मिलना है। कबीर कमरे की तरफ आ रहा है, उसको रोको, फोन करो उसे अभी के अभी। गोदाम में आने के लिए बोलो, धौलगंज वाले। चलो चलो, अब लो इसका फोन आ गया। हेलो कबीर सर, वो गोडाउन में पूरी आग लग गई है सर, आप भी जल्दी आइए। अरे ये कहा? गोडाउन में आग लगी है? कबीर आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, लोग हैं ना वहां पे। हैं जा, लेकिन पता नहीं आग कितनी फैली हुई है और वहां की फोन लाइन्स भी बंद पड़ी हुई हैं, इसीलिए किसी से बात नहीं हो पा रही है। मुझे खुद ही जाके देखना पड़ेगा कि कहीं कोई जख्मी तो नहीं हुआ है। अपने आप को संभालिएगा। मैं भी चलता हूँ साथ में। फोन लग ही नहीं रहा है। वैसे भी वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। ये लो, मेरा फोन दो, उस नंबर पे ट्राई करो जिसने मुझे इन्फॉर्म किया था। इस नंबर की मुझे कोई जरूरत नहीं है। स्विच ऑफ बता रहा है। कहते हैं कि मांग में जितना ज्यादा सिंदूर हो, पति पत्नी में प्यार उतना ही गहरा होता है। होता होगा किसी जमाने में, आजकल तो रंग चढ़ने से पहले ही उतर जाता है।
यहाँ तो कोई आग नहीं लगी है और ना ही कोई नजर आ रहा है। सिक्योरिटी। नमस्ते साहब। कहाँ से आ रहे हो तुम? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ गेट पर है ना? जी साहब। यहाँ आग लगी है। आग कब लगी, कहाँ लगी, यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। यहाँ फैक्ट्री में आग लगी है क्या? नहीं सर, यहाँ कोई आग नहीं लगी है। जाओ यहाँ से। ओके सर। तो फिर ये फोन किसने किया होगा? उससे भी बड़ा सवाल ही उठता है कि क्यों। अरे ये तो अभी शुरुआत है, तुम बस देखना अपने ही बुने हुए जाल में कबीर किस तरह से फंसता है, ये देखने में बड़ा मजा आने वाला है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ये सब सोचा। तो सोचा कैसे? सच कहूं, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। इतने कम दिनों में क्या कुछ नहीं करना पड़ा उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि ये जो खेल है वो असल में हम नहीं बल्कि वो खेल रहा है। सबसे पहले हमने दिल्ली में कबीर के सामने आने का नाटक किया और फिर हमने उसे ये भरोसा दिलाया कि हमारी शादी होने वाली है। कबीर ने तुम्हें खरीदना चाहा, वैसे तुमने भी एक लालची आदमी की तरह बिकने की अच्छी एक्टिंग की। हाँ और फिर कबीर ने तुमसे कहा, नेहा को किसी भी तरह दौलगंज लाने का काम तुम्हारा, आगे मैं संभाल लूंगा। तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? 20 लाख का कर्ज जोन जो आ रहे हो लौटाना है वो मैं दे दूंगा, उसके ऊपर 30 लाख और। डील। और वहां पे उसने करण को हमारे पीछे भेजा जो छुप छुप के हमारी फोटोज खींचता रहा और हमने भी उसके सामने अच्छे एक्टरों की तरह एक परफेक्ट हनीमून कपल बनने की एक्टिंग की। और फिर कबीर का मेरे कमरे में आकर मुझसे ये कहना कि मैं उसकी बीवी हूं, यहां तक तो सब कुछ प्लान के मुताबिक था। पता है गड़बड़ कहां से शुरू हुई? मेरे किडनैप होने से, क्योंकि ये सब हमारे प्लान में नहीं था। क्योंकि प्लान तो ये था कि तुम वापस दिल्ली चले जाओगे और फिर वहां जाके मुझे फोन करोगे, लेकिन फिर इन लोगों ने तुम्हें किडनैप कर लिया और मेरा सारा फोकस तुम्हें छुड़ाने में चला गया। बस इसीलिए ओरिजिनल प्लान में थोड़ी